हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एचसी वर्मा चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम नंबर 43 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। Find the speed and angle of projection, part A as seen from the truck and part B as seen from the road. ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक ट्रक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है और ऊपर से एक कोई आदमी जो है बॉल को थ्रो करता है और बॉल वापस ट्रक में आता है। इतने देर में ट्रक जो है 58.8 मीटर मूव करती है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर किसी ने बॉल को थ्रो किया, जस्ट यहाँ पर इनिशियल स्पीड सपोज थ्रो किया, ठीक है, और ट्रक इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से मूव कर रही है। सपोज ये यू एक्स दिया हुआ है आपका एक्स डायरेक्शन में, तो ये दी हुई है 14.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इधर ट्रेवल कर रहा है, तो जब बॉल वापस गिरता है उतनी देर में ट्रक 58.8 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि यहां से आपका यहां जो है 58.8 मीटर, ठीक है, ये एक्स हो गया, इतना ट्रेवल कर लेता है और बॉल वापस इसी पर आता है। मतलब कि बॉल जब थ्रो किया जाता है उस टाइम ट्रक का जो इनिशियल स्पीड है वो बॉल को भी मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है, ट्रक मूव कर रहा है, तो बॉल को भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगी 14.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वापस वो ट्रक में ही गिरता है जब 58.8 मीटर पे, तो इट मीन्स बॉल को हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल थ्रो किया गया। ठीक है, तो देखिए अगर ट्रक के रेफरेंस पॉइंट से देखें तो हम बोल सकते हैं आपका ये आपका फाइनल पोजीशन है, यहाँ पर बॉल ड्रॉप कर रहा है। तो इसमें देखिए हम वेलोसिटी ऑफ ट्रक दिया हुआ है आपका, वेलोसिटी ऑफ ट्रक यू एक्स इक्वल टू 14.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बॉल की भी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, यू एक्स बी, एक्स डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं यू एक्स बी से। ठीक है, यू एक्स बी इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू 14.7 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल। ठीक है, यू एक्स पी हो जाएगा। अब देखिए हम एक एक करके ट्रक के मोशन को एनालाइज करेंगे और बॉल के मोशन को एनालाइज करेंगे। तो पहले मोशन ऑफ ट्रक देख लेते हैं हम, मोशन ऑफ ट्रक देखिए एक्स डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है ट्रक, तो एक्स इक्वल टू 58.8 मीटर दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी जो यू एक्स है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, तो 14.7 मीटर पर सेकेंड, ए एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यू एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी हो जाएगा, अगर टी टाइम में 58.8 मीटर ट्रेवल कर रहा है और एक्स हमारा दिया हुआ है 58.8 इक्वल टू यू एक्स 14.7 इंटू टी। ठीक है, अगर ऐसा यूनिट सारा लेते हैं तो हमारा टाइम आ जाएगा 58.8 डिवाइडेड बाय 14.7 सेकेंड, और टी आ गया यहां से हमारा टी इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड में बॉल वापस आ जा रहा है ट्रक पे। अब हम मोशन ऑफ बॉल को एनालाइज करते हैं। ठीक है,
मोशन ऑफ बॉल। इसमें क्या हो रहा है, मोशन ऑफ बॉल जब हम देखेंगे तो बॉल तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना जितना ट्रक का स्पीड है उसी स्पीड से मूव करेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स और टाइम वो सेम एज ट्रक का जो मोशन है वही हो जाएगा। तो इसमें वर्टिकल मोशन हम सिर्फ देखते हैं, वर्टिकल मोशन। अब इसके वर्टिकल मोशन में देखिए जब वापस आ रहा है इसका मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा आपका वाई डायरेक्शन में, तो वाई इक्वल टू जीरो एंड बॉल की स्पीड जो है हम यू वाई ले लेते हैं, यू वाई इक्वल टू स्पीड ऑफ बॉल इन वाई डायरेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन ठीक है, अपवर्ड लिख देते हैं तो अपवर्ड ही हम दे रहे हैं। अब देखिए वापस वो आ जा रहा है आपका ट्रक में, तो वाई तो जीरो हो गया, तो हमारा देखो y इक्वल टू यू वाई टी माइनस जी तो नीचे एक्ट करेगा तो हाफ जी टी स्क्वायर, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y इक्वल टू जीरो यू वाई टी हमें फाइंड करना है, t कितना हो जाएगा 4 सेकेंड क्योंकि दोनों का टाइम तो सेम ही होगा ऊपर जाने का और राइट मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट में टाइम सेम होगा आपका, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर हो गया, तो यहां से हमें यू वाई कितना मिलेगा, यू वाई आपका मिल जाएगा यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रोड ठीक है, हम तो रोड से ही एनालाइज कर रहे हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं और x डायरेक्शन को x हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन को y, तो लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल में 14.7 मीटर पर सेकेंड i कैप प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में 19.6 मीटर पर सेकेंड ठीक है j कैप। तो ये हो गया हमारा velocity of ball with respect to road। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, find the speed and the angle of projection as seen from the truck ठीक है, तो with respect to truck हमें जब निकालनी है, तो ट्रक तो मूव कर रहा है horizontal में उसी velocity से बॉल भी मूव कर रहा है तो vertical direction में ही थ्रो होगा। चलिए पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं, स्पीड ऑफ बॉल as seen from truck मतलब कि बॉल की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक निकालनी है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में हम वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक कर दें तो ये हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू रोड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रेस्पेक्ट टू रोड ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी है, 14.7 मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस 19.6 मीटर पर सेकेंड जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ ट्रक भी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वो भी आई कैप हो जाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड 14.7 मीटर पर सेकेंड आई कैप है ठीक है। तो यहां से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाले और बच गया हमारे से 19.6 मीटर पर सेकेंड जे क्या, इसका मतलब क्या हुआ, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक बॉल इज प्रोजेक्टेड
अपवर्ड विथ 19.6 मीटर पर सेकेंड विथ स्पीड 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू शाफ्ट। अब सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू रोड निकालने के लिए। पार्ट भी देखिए हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। स्पीड ऑफ बॉल एज सीन फ्रॉम रोड, ठीक है, तो हमने ऊपर जैसे निकाला वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू रोड कितना आया था, ये 14.7 मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस 19.6 मीटर पर सेकेंड जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल का अगर मैग्नीट्यूड हम सिर्फ निकालें वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू रोड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 14.7 x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट आपका 19.6 का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ गया आपका, ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जाएगा 24.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, तो tan थीटा अगर मेरा थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो वी वाई बाय वी एक्स हो जाएगा, और वी वाई हमारा बॉल का जो है 19.6 डिवाइडेड बाय 14.7, तो ये आ गया 4/3। ठीक है, और थीटा हो गया हमारा tan इनवर्स 4/3, और ये हो गया 53 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रोड, देयरफॉर विथ रिस्पेक्ट टू रोड बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 24.5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।